सच्चे दरबार की जय। हीटअप होगा, फिर उसके कार्बन वार्बन जो भी होने होंगे, फिर हीटअप होके वो चीज वहां से खत्म हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद देखिएगा, ये क्या है सर, बाहर थोड़ा सा अपना वो है ना, थोड़ा सा बकायल धकेलना पड़ेगा कोई चीज। देखो एक एक सिंगल नोज, हाँ ये आवाज आनी चाहिए, यदि ये आवाज नहीं आ रही, किसी किसी में नहीं आता, जैसे कॉन्टैक्ट बढ़ गया, अदरवाइज आवाज नहीं आ रही, मतलब आगे सही से है ना। सर मैं क्या इसमें गलत दब गया या गलत लग गया ना, फिर ये बेकार है, काट के फेंक नहीं है। हालांकि मैं एक स्पेयर लाया हूँ इन केस किसी ने गलत कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। जैसे ये यहाँ तक आया था, ये एक मार्किंग दिख रही है बाहर, आपके यहाँ तक आया प्रकाश से मेरे बात में कुछ मकान रखी वाला ज्यादा अच्छा और लेके हो गया सर, नमस्कार मिला पास ठीक है सर, इसको दवाई बिल्कुल उसी गोलाई का चाहिए।
वो भाई किसका मेरा पास लग गया एक्चुअली हम फिर सऊदी अरब तक आवाज नहीं आती ओपन ये लो छोड़ रहा है ये ध्यान कहीं मेरे जेब में सिम डाल आदि कहाँ गया अक्षत का फोन आ रहा है तो पॉजिटिव इसमें नेगेटिव के साथ लगेगा तभी तो वो लॉगिंग मेरी आज फोटो नहीं मिली डीसी करंट ऊपर वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट ऊपर 12 वोल्ट है और करंट कितनी होगी ज्यादा होगी लगभग 7 से 8 एम्पियर होगी तो जो ये तार है ये 4 एम्पियर तक ही करंट क्लियर कर सकता है यहाँ पर क्या होगा एसी में वोल्टेज ज्यादा होगा 230 और करंट होगा हार्डली 1 2 एम्पियर 208 के लिए कितना होगा 1 2 एम्पियर यस सर और वोल्टेज कितना होगा 230 ऊपर उल्टा होगा 250 वाट के लिए कितना होगा वोल्टेज 12 है तो 12 को डिवाइड करिए जरा 12 को 250 में डिवाइड करिए सर 12 point something आएगा 12 point something आना चाहिए पर इतना नहीं आएगा तो वो लगभग 7 से 8 एम्पियर आएगा तो यदि ये हम लगे रहने देते तो क्या होगा अभी तो काम करता है धीमे 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 यहाँ हीटअप होता रहता साल दो साल में कहीं ना कहीं जल जाता स्पार्ट में जब हो जाता तो अभी लगे हाथ तो क्योंकि नायर सर को एक अनुभव है तो उन्होंने बोला कि सर एसी का वायर मोटा लगेगा एसी में आप हल्का ही यूज करो जो अपन ने यहाँ से दिया था तो आप ये देखिए कि भगोरे सर को भी बहुत अनुभव है पर इस मामले में वो उनका अनुभव गलत हो गया एसी में करंट ज़्यादा थी वोल्टेज कम था तो करंट ज़्यादा होने के लिए वायर मोटा था अभी वायर इसलिए अपन ने मोटा वायर दिया जो ब्लैक लगाया था ब्लैक ऊपर खींचते नहीं वायर चेंज कर दिया तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम आप उस चीज़ को करके देखते हैं तो समझ में आता है तो आपको ये समझ में आ गया कि डीसी अब डीसी का जो एम सी वी लगाया है कहाँ लगाएंगे अभी आप देखते हुए अब ऊपर का काम खत्म हो जाएगा नीचे का काम हो जाएगा डीसी में एम सी वी अलग से होता है डीसी का एम सी वी अलग होता है वो एम सी वी लाए हैं अलग से ये रखा हुआ क्योंकि वो करंट के लिए वोल्टेज कम और एसी में जस्ट उल्टा है वोल्टेज ज़्यादा है करंट कम अलग होगा एसी का प्रोटेक्शन अलग होगा जो बनाया है सर ने सोलर पैनल ग्रिड वाला है पर ग्रिड वाला हो या जो भी हो ये उत्कृष्ट मिलता है भाई।
ग्रीस नहीं है, वैसे नहीं चली ग्रीस नहीं है, चली हुई वैसलीन का पिता पेट्रोल से क्या है कि उस पे डिपॉजिट नहीं आ रहा मास्टर करने उस पे डिपॉजिट आ जाता है बाकी क्या होता है ऑनलाइन आ जाता है वो आपका रेंट का प्रूफ प्रॉपर नहीं होता इधर वहां से हीट अप हो जाएगा सर इधर पावर लॉस भी होगा सर दोनों पाने लगाए सर पीछे लगाइए आउटपुट आउटपुट हाँ साकेट देखो 12 एम्पियर का 11 तो 9 12 एम्पियर 12 12 एम्पियर है ना वो बदलो भाई कैसे सर कैसे इजी से यार बैटरी से दे रहा है ना वो नहीं नहीं बैटरी से नहीं बैटरी को चार्ज कर रहा है सर कुछ लोड है ही नहीं ना तो करंट जा कहाँ रहा है सर क्या पैदा करो सर सर करंट फिर से नजर कर ले ऊपर से कितना आ रहा है और बैटरी जुड़ गई है सर बैटरी से बाहर की 10.2 हो गया सर 10.2 बैटरी का 4.2 लोड का 6.9 ये तो 0.6 से बता रहा है यार कम कर रहा है सर बैटरी की हां सर बहुत कम हो गया 0.6 से एंपियर होता हमने खींच लिया ना अच्छा भाई आप जो आ रहे हो अभी बल्ब नहीं लगा था तो बैटरी में जा रहा था हां अब आपने बल्ब लगा दिया तो पहले बल्ब को फीड करेगा फिर बैटरी को देगा बचा हुआ सर वो एसी है 230 वोल्ट का होगा बैटरी का वोल्टेज 13.1 था ना नहीं नहीं हाँ करेक्ट बोल रहे हैं हाँ वही होगा 4.5 बता रहा सर 4.5 मतलब 4.4 हाँ वही 4